बर्बाद ही कर दी है और इस गर्मी में वीडियो बनाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वीडियो बनाना भी जरूरी है क्योंकि गर्मी के मौसम की कुछ अहम मालूमात और अल्फाज जो आपसे शेयर करने हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेरे असर रहेंगे, जबकि बाद इस दोपहर तेज आंधी और झक्कड़ चलने का भी इम्कान है। साथियों, गर्मी के मौसम में इस तरह की खबरें तो आप जरूर सुनते होंगे। इस खबर में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, झक्कड़ चलना, जिसको अंग्रेजी में हम गस्ट ऑफ विंड भी कहते हैं। मगर ये झक्कड़ होता क्या है, मैं बताती हूँ। झक्कड़ को अगर हम उर्दू में समझने की कोशिश करें तो ये तेज आंधी की या फिर हवा के तेज तूफान को कहा जाता है। आपने ये जरूर नोट किया होगा कि जिस दिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है उस दिन तेज हवा भी चलती है, तो इस हवा के तूफान को हम झक्कड़ कहते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा गर्मी में ही क्यों होता है, सर्दी में क्यों नहीं होता? तो साथियों, ये थर्मल कन्वेक्शन की वजह से होता है। थर्मल कन्वेक्शन यानी हवा का दबाव या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको सादे अल्फाज में समझते हैं। जब जमीन की सतह शदीद गर्मी से गर्म हो जाती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और जमीन की सतह पर हवा का खला पैदा हो जाता है और निचली सतह पर हवा का दबाव कम हो जाता है। सर्द हवा इस खला को पूर करने के लिए तेजी से नीचे आती है, जो तेज तूफान की शक्ल इख्तियार करती है, जिसको झक्कड़ चलना कहते हैं। ये किसी जिन भूत का कमाल नहीं बल्कि साइंटिफिक अमल है। साथियों, बात मौसम की हो रही है तो मौसम से रिलेटेड एक वर्ड है जो अक्सर औकात गलत तलफ्फुज़ किया जाता है, PRECIPITATION। इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं जबकि ये प्रीसिपिटेशन है। चलिए मतलब भी बता देती हूँ। पानी की मुख्तलिफ शक्लें जैसे बारिश, बर्फबारी और ओले वगैरह का जमीन पर वापस आने के अमल को प्रीसिपिटेशन कहा जाता है। सूरज की गर्मी से पानी झीलों, दरियाओं और समंदरों से बुखारात बनकर हवा में उठता है और बादल की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और जब हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है तो ये बादल कतरों में तब्दील हो जाते हैं जो बारिश की शक्ल में जमीन पर वापस आ जाते हैं। इस सारे अमल को हम प्रीसिपिटेशन कहते हैं। आपने अब इसको प्रीसिपिटेशन नहीं कहना बल्कि प्रीसिपिटेशन कहना है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगली वीडियो के आने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, हाँ, और साथ ही बेल आइकन के बटन की ऐसी की तैसी कर देनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।